काफ़ी अच्छे से सोच रहा था एक व्लॉग बनाऊँ, तो एक इवेंट सामने आ गया तो सोचा व्लॉग ही बना लेते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अभी चलते हैं व्लॉग की तरफ। सो दिस इज दानियाल तारिक एंड टुडे इज गोइंग टू माई फर्स्ट व्लॉग। सो प्रीटी एक्साइटेड एंड वेरी स्केयर्ड बिकॉज आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू मेक दिस हाफ एज अम्यूजिंग एज गुड व्लॉगर्स टू। The trip that I have in store for you guys today is to Creek Club, Karachi, where we have a winter gala. It's basically a family festival and with food stalls and shows and entertainment and stuff. And well, my sister wanted to go there, so you know, when you can drive, when your dad's busy. So we're gonna head on in like 15 minutes and let's see how it goes. हमारा गुमान कुछ नहीं था कि हम सुकून से फेस्टिवल पहुंच जाएंगे, लेकिन हमारे इरादों पर पानी फिर एक पॉलिटिकल पार्टी की रैली ने जिससे पूरा रास्ता जाम कर दिया। अल्लाह अल्लाह करके हम जाम से बाहर निकले और अपनी मंजिल की तरफ काम जाए। आखिर 50 मिनट की लंबी ड्राइव के बाद हम क्रीक क्लब तक पहुँचे और अंदर जाते ही हमें अंदाज़ा हो गया कि ये इवेंट जो है वो एक फ्लॉप है। अंदर आते ही जो पहली चीज़ जिसने मेरा इस्तकबाल किया वो एक स्टैंडी बैनर था that was welcoming all visitors to the Karachi Winter Gala. अंदर आते ही हमने मल्टीपल स्टॉल्स देखे जिन पे स्टॉल के जो ओनर्स या अटेंडीज थे उनके अलावा क्राउड बिल्कुल मौजूद नहीं था, तो हमने सोचा कि इसी मौके का फ़ायदा उठाया जाए और एक के बाद एक स्टॉल विज़िट किया जाए। क्योंकि मैं एक यंग लड़का हूँ तो इट वॉज़ वेरी ऑब्वियस कि आई हैव गॉन फॉर द फूड स्टॉल्स। There was this one stall with different drinks, shakes and cola ganda, and I did try the orange juice. It was very very nice. इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे और स्टॉल मौजूद थे जहाँ पे चाय, पास्ता, बिरयानी, चाट, बारबेक्यू, गोलगप्पे, आइसक्रीम वगैरह दस्तयाब थी। मेरा पर्सनल फेवरेट जो था वो शुरू में ही लेफ्ट पे सेकंड नंबर का स्टॉल था जहाँ पे इट वाज दिस वेरी नाइस होममेड पीटा सैंडविच दैट आई लव्ड। ये सुनसान और ख़ामोश माहौल देख के मैंने ये सोचा कि मैं अपनी लाइफ यहाँ बैठ के कॉन्टम्प्लेट करता हूँ जब तक मेरे बाकी घर वाले जो हैं वो फेस्टिवल इन्जॉय करें। ये मुआवजा कुछ पहली बार देखा कि जो इवेंट सुबह 10 बजे शुरू हुआ हो उसकी इनाग्रेशन जो है वो 4:30 बजे की गई। अपनी लाइफ को प्रॉपरली कॉन्टेम्प्लेट करने के बाद और फिर भी कुछ ना हासिल करने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम कुछ सिनेमेटिक शॉट्स लेने की कोशिश करें। तो हमने कुछ लैम्स और कुछ खेलते हुए बच्चों को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की और इस मेहनतकश काम के बाद हमें बहुत ही ख़तरनाक वाली भूख लगने लगी। तो कुछ अच्छा खाने की तलाश में हमने 2-3 स्टॉल्स विज़िट करे जिनमें से एक पे गोलगप्पे दस्तयाब थे। हमने अपने घर वालों और अपने लिए गोलगप्पे वहाँ से ख़रीदे और बहुत ही बदतरीन डिसअपॉइंटमेंट का शिकार हुए। तभी कहते हैं ऊँची दुकान फीके पकवान। Thank you.
फिर नज़र पड़ी एक विंग्स के स्टॉल पे, तो सोचा शायद कुछ क्वालिटी मिल जाए, प्राइस टैग देखा तो वो भी फैंसी सा, तो इस उम्मीद से कि शायद आज हमारे टेस्ट बड्स और हमारा जो पेट है वो सेटिस्फाई हो जाए, हम उस स्टॉल पे गए, ऑर्डर प्लेस करा, बहुत प्रोफेशनल स्टाफ लगा, लेकिन जब विंग्स हमारे सामने आए तो बड़ा ही अफसोस हुआ और बड़ी बेवकूफ़ सी फीलिंग आई अपने अंदर से, और अपने अंदर का जो मिडिल क्लास इंसान था वो बहुत ही नाराज़ हुआ कि यार ऐसे कैसे। इस दुखे हुए दिल और भूखे पेट के साथ हम ही कुर्सी पर जा बैठे और सूरज गुरूब होते हुए धीरे धीरे सूरज गुरूब होता रहा और फाइनली हमारे घर जाने का टाइम आ गया। तो ये था मेरा फर्स्ट व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।